नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली में। जिया फिन आरआरपी एएलपी 2018 से बहुत बड़ी ऑफिशियल नोटिस निकल कर आ रही है। जिया फिन देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको फ्रेंड पैनल 3 देखने को मिलेगा इस जोन से। जिया फ्रेंड देख सकते हो, प्रोविजनल पार्ट पैनल 3 जो फ्रेंड इस जोन का आउट होगा। जिया फ्रेंड कैंडिडेट का नेम फ्रेंड अपना नाम अपना लिस्ट में आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स कैटेगरी नंबर की बात करो तो किस किस कैटेगरी नंबर ये पैनल है, तो फ्रेंड कैटेगरी नंबर देख सकते हैं। कैटेगरी नंबर इसमें 1 आपको देखने को मिलेगा, 54, 88, 94 और 134 भी आप लोग को इस पैनल में कैटेगरी नंबर देखने को मिलेगा। वही फ्रेंड्स इससे पहले एक पैनल है तो उसमें फ्रेंड्स बहुत से कैंडिडेट ऐसे जिसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। जी हाँ, पर इस पैनल में जो अनफिट कैंडिडेट उनको ही फिट डिक्लेयर कर दिया, यानी उन्होंने जो पिटीशन डाला था जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को, तो उनको जो है दोबारा जो वेरिफिकेशन हुआ तो उनको जो है फिट घोषित कर दिया। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों को निकल कर। चलिए फ्रेंड ज़्यादा समय ना लेते चलते ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर। इससे पहले फ्रेंड्स आप चैनल पर नए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर इंटरव्यू मिलते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। तो ऑफिशियल नोटिस देखने हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी फ्रेंड, जैसे ही रेलवे रिक्रूटमेंट बिलासपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जी फ्रेंड, जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देखिए 01/2018 वाला सेक्शन में आप लोग को क्लिक करना है। जी फ्रेंड, जैसे ही सेक्शन पर आप लोग क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। जी फ्रेंड, जैसे ही नेक्स्ट पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जी फ्रेंड, देखिए इस टाइप का पेज खुलेगा, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको देखिए एक नोटिस दिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हैं 18 के डेट में। देखिए ये नोटिस 18 का पर फ्रेंड्स ये आज सुबह ही अपडेट हुआ था, देख सकते हैं। प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन, यानी एएलपी और टेक्नीशियन प्रोविजनल रिजल्ट आप लोग को देखने को मिला। चलिए इस पैनल को डाउनलोड कर लेते, देखते हैं इसमें क्या सब मैंसन किया गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर, देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नंबर देखिए 01/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन। यहाँ पे देखिए क्या कौन सा पैनल है, तो पैनल देख सकते हैं प्रोविजनल पार्ट पैनल 3, यानी पैनल 3 आप लोगों को देखने को मिल रहा है इस जोन से फॉर असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन, यानी कुछ कुछ पोस्ट इसमें लोको पायलट के भी या कुछ कुछ जो है टेक्नीशियन के भी। चलिए पूरा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1, इन कंटिन्यूएशन टू रिजल्ट नोटिस नंबर आरआरबी बीएसपी, यानी आरआरबी बिलासपुर को जो रिजल्ट आया था फ्रेंड, जो कि डेटेड जो पैनल 2 आया था जिसमें 607 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जो कि 13 दिसंबर 2019 को आया था, उसी रिजल्ट से कुछ कुछ जो कैंडिडेट छूट गए थे उन कैंडिडेट के इस पैनल में जगह मिल गया है। देख सकते हैं आप लोग रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट विथ हेल्ड, यानी कुछ कुछ कैंडिडेट जो उस पैनल में विथ हेल्ड कर दिया था, कुछ कुछ कैंडिडेट जो रिजल्ट है टेम्प्रोरी अनफिट, यानी कुछ कुछ देखें टेम्प्रोरी जो अनफिट थे तो उनको इस पैनल में जगह मिला है और उनको जो है इस पैनल में इम्पैनल्ड कर दिया जा चुका है। देख सकते हैं आप लोग नाउ डिक्लेयर अनफिट, यानी जो जो कैंडिडेट उस पैनल में इससे पहले वाले पैनल में अनफिट डिक्लेयर तो उनको जो है डिक्लेयर कर दिया गया फिट और मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आर बींग इन पैनल, यानी उनको जो इन पैनल में जगह मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए दिखा कैंडिडेचर ऑफ ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग दिस पार्ट पैनल इज पोली पे अपने, यानी जितना जितना कैंडिडेट का इस पैनल में नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा सब जो प्योरली प्रोविजनल बेसिस पर, इसको कन्फर्मेशन अभी ना मांगे जब तक आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना मिल जाता, तो ये सब देख सकते हैं छोटा मोटा डिटेल आप लोग चेक करते थे। चलिए आते हैं पैनल की ओर, तो पैनल में देखिए आप लोगों को देखने को मिले जो कि पेज 2 में, तो देखिए कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 जो कि असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें देखिए 3 कैंडिडेट को जो है पैनल में जगह मिला। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रोल नंबर आप लोगों को मैंसन किया, यहाँ पर अलॉटेड रेलवे मतलब किस रीजन में आप लोग को मिला, देख सकते हैं एशिया यानी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में अपनी इनके 3 कैंडिडेट को जो कि देखने को मिला है। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर की बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी नंबर आपको 54 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, इसमें 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन मिला। देख सकते हैं CR यानी सेंट्रल रेलवे, इनको जो है अलॉटेड रेलवे मिला है। बात की गई नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी नंबर देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 88 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 मानसून का, तो इसमें देखिए एक कैंडिडेट का सिलेक्शन मिला है, यहाँ पर रोल नंबर देख सकते हैं उस कैंडिडेट का। वहीं बात करें फिर नेक्स्ट कैटेगरी, तो नेक्स्ट कैटेगरी नंबर आपका कैटेगरी नंबर 94 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 मैकेनिकल वर्कशॉप में, तो इसमें एक कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा जो कि है SCECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि इनको अलॉटेड रेलवे मिला है। वही बात करें फ्रेंड लास्ट कैटेगरी के इस पैनल को, तो लास्ट कैटेगरी में देख सकते हैं लगभग कैटेगरी नंबर 134 में देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड सिग्नल ऑपरेटर को मिला है, जो कि SCR इन साउथ सेंट्रल रेलवे में इनको जगह मिली। देखते हैं टोटल यानी 8 कैंडिडेट को इस पैनल में जगह मिली है, जो कि पैनल नंबर 3 में 8+ कैंडिडेट को उसमें जगह मिली है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आरआरबी बिलासपुर तो बहुत ही अच्छी खबर निकल कर उन कैंडिडेट को जिनका फ्रेंड जो इससे पहले पहले वाले पैनल में, तो आप लोग को कैंडिडेट को इस पैनल में जगह मिल गया दोबारा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, तो फ्रेंड धन्यवाद और नमस्कार फ्रेंड्स।